हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन रनसेलू और मैं किन्नौर से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आजकल किन्नौर में लोग क्या कुछ काम करते हैं और हमारी लाइफ कैसी होती। चलिए ले चलते हैं आपको। तो मैं अब मूव करने जा रहा हूँ अपने खेतों की तरफ। आप ही को ढूंढते हुए देखना चाहता हूँ कि आप ही इस टाइम क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या करवाने वाले मुझसे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम पहुँच गए आप ही के पास। आप ही क्या कर रहे हैं? लाल चूल छो ना चूल पान तो मिला आज रे मो पाच आए आए रे थे मो लंच। रे मो रात कान थोच कान लंच रे मो शिचे कान जाच किना होना तो नकली खाओ जाच हो रोशो हंगी ना लाए तो रे मो राब राब दुखती रे हुई दो शिचे ना का का जाशो में तो बता नो देरन चुन स्वाते ইমিও মিছো রে মো পাস পাস সগর সাগর রাপ রাপ ধরি ইউচি একল ওমি ওমি ক্ষং তুমি গা লাঙান উপনিং যাও তো দো করে খাপাল কা খাপাল নাই খাও জামং দগদি যাও তো ন খাও জামং দো তাগে দি তো চে নি নি রে মো শি শে জাজ ইয়ানো ওয়াক তো শং জুবালি সমলি ইয়া ব্রেমো পাটমি रेमो राब राब डॉक्टर का लानी उन्हें तो छोड़ दो तो होता तेलंग से चेकाओ लानी ताया की मैच आए निया ब्रश होता जात ताको ताकि संग्रह चलियो दूलान लान जात करना निया ने दो स्वातियो सूखने के बाद इसे उठाया जाता है। इसके बाद फिर इसे उठाकर दोबारा फिर से सुखाया जाता है इस तरह से, ताकि जो इस पे थोड़ा बहुत गंद लगा है इसे साफ किया जाता है। उसके बाद ये हमारे सर्दियों को खाने लायक बन जाता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर से जो गुट्टी निकलती है उससे हम इसका तेल भी निकालते हैं, जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसे घुटनों में मला जाए तो कभी लाइफ में घुटनों का दर्द नहीं होता। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गायों को घास पानी देने, ये मेरा रोज़ का काम है। तो मैं आप लोगों को अपने गायों से मिलाता हूँ। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने गौशाला में। ये देखिए, ये मेरी छोटी गाय और ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गाय। और एक गाय एक दिन में कितना लीटर पानी पीती है। और ये नॉर्मली 20 से 25 लीटर पानी दिन का पी जाते हैं। तो गाइस, मैंने पानी गायों को पानी पिला दिया है और थोड़ा थोड़ा घास देकर अब मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे की ओर, जहाँ पर पानी का टैंक
टैंक बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेरे घर का व्यू। ये हमारी गायों के लिए, देख सकते हैं आप अभी वगैरह छत पर काम कर रहे हैं। तो मैं अब चलता हूँ आगे की ओर। तो गाइस हम जा रहे हैं अपने पानी की टंकी की ओर। और ये एप्पल्स देख सकते हैं आप कि इस बार एप्पल्स कैसे लगे हुए, और अभी तो काफ़ी छोटे हैं, इन्हें पकने में अभी पूरी तरह तैयार होने में लगभग 1 मंथ और लग जाएगा। तो ये देखिए मैं पहुंच चुका हूँ अपने टैंक के पास। तो मुझे डाउट था कि पानी कम आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइप लीक हुआ पड़ा है, तो मैं इसे जोड़ूँगा। और ये देखिए गाइस ये पलम बिल्कुल रास्ते के साथ है, तो यहाँ पड़ोस से छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं इन्हें खाने। आधे तो पककर गिर चुके, आधे पेड़ पे ही। तो गाइस मेरी ब्लॉगिंग पूरी हो चुकी है। आई होप कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए कोई अच्छा कैमरा या कोई माइक वाइक कुछ नहीं था, और मैं सिंपली अपने इस फ्रंट कैमरे से नॉर्मली वीडियो को पूरा शूट किया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे फिर से ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, या मुझे नई ब्लॉग लाने की कोई ज़रूरत है या नहीं, ये बताइएगा। अगर आप सबको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।